हेलो। हेलो हाँ जैन सर। जैन सर बताइए, मैं आप तो बोला था जो कि 18 मार्च को जो इन्फॉर्मेशन बैरकपुर रैली का तो देने के लिए बोला था, तो अब उसके बारे में कुछ पता चला कंफर्म? जैन साथियों, स्वागत करते हैं और एक नया वीडियो में। आज का वीडियो में हम बात करेंगे जो कि हमारा बैरकपुर का रैली 1 अप्रैल के होगा कि नहीं होगा, ये बात आपको बोलेंगे। और आप का जो एग्ज़ाम के बारे में एक बढ़िया सा खुशखबरी देना चाहूँगा जो कि आप सुनने के बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे, थोड़ा बिल्कुल परेशान कम हो जाएगा आपको। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक बने रहेगा। जितने भी साथी हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप जो ड्रीम आर्मी ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाना। वहाँ पर बहुत भी वेस्ट बंगाल का सारा कैंडिडेट सारा साथियों है ऑलरेडी। तो साथियों, आपसे ये बात कहना चाहूँगा, पहले मैंने आज मॉर्निंग में एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला जो कि एक आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, आर्मी का जो नया रिक्रूटिंग प्रोसेस आपका बहुत जल्द ये हो सकते है, ये कंफर्म नहीं है लेकिन आप स्क्रीन में देख सकते हो। जो कल शाम में मैंने बोला है, मैंने एक अधिकारी से बात किया, 1-2 मिनट नहीं 45 मिनट्स बात किया, आप स्क्रीन में देखो। ये चीज़ मैं कल सुबह जब रनिंग करने के टाइम पर, मैं घर घर लौटने के टाइम पर ये कॉल किया सर को, साथ वीडियो कॉलिंग किया और 45 मिनट्स जो कि सर को साथ बात किया। तो वो जो सर बेसिकली आर्मी रिक्रूटिंग का डिपार्टमेंट में है और कहाँ का है मैं तो ये कुछ बता नहीं सकता, कौन सा सेक्टर में, रेजिमेंट में, मैं तो ये बता नहीं सकता ना। और ये जो रिकॉर्डिंग, लाइव रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है लेकिन ये मैं कभी भी नहीं डाल सकता, ये बिल्कुल प्राइवेसी के खिलाफ है, सर का कोर्ट मार्शल हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो कोई भी अधिकारी आर्मी में ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते लाइव आके। लेकिन वो जो सर बहुत ही मेरे को करीब, मेरे से करीब संपर्क है सर के साथ, तो सर कुछ अपडेट देते हैं मेरे को, तो आप स्क्रीनशॉट मैं दिखा सकती हूँ आपको। ये जो देख सकते हो ये बेसिकली एक आर्मी का कमीशन्ड ऑफिसर है और जो सर का रैंक है मेजर रैंक। ठीक है, तो मैंने ये बातें किया आपका, ये जो सिलेक्शन के बारे में सर बोल रहे थे, मैंने आज का मॉर्निंग में वीडियो में बता दिया आपको, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएगा। वो आज नहीं होगा लेकिन 2 साल 3 साल बाद, ये तो आज नहीं होगा तो 2-3 साल बाद आपको ये चीज़ बिल्कुल देखने को मिल जाएगा, आप देख लेना। और एक बात आपसे, आपका जो एग्ज़ाम के बारे में एक बढ़िया सा न्यूज़ है जो कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल में कंडक्ट करने का चांस 90% से ज़्यादा है। और आपका जो नोटिस एग्ज़ाम का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये आपका अप्रैल 1 वीक में मिल जाएगा। ठीक है, ये कंफर्म अपडेट आ रहा है, अप्रैल 1 वीक में, अप्रैल का जो पहला वीक है अप्रैल महीने का अगले, तो अप्रैल महीने का अगले वीक में जो कि नया नोटिफिकेशन एग्ज़ाम को लेकर, ये आपका ज़रूर देखने को मिलेगा। ये गया आपका एग्ज़ाम के अपडेट। और साथ ही साथ 26 अप्रैल जो एग्ज़ाम का डेट, वो आपका 1 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल के अंदर ही आपको जो नोटिफिकेशन मिलेगा उसमें मेंशन कर दिया जाएगा जो कंफर्म डेट क्या फिक्स्ड होगा कि नहीं होगा, ये अपडेट हमारा मेरा पास आ रहा है। और आपको साथ ये बैरकपुर का जितने भी कैंडिडेट है, बैरकपुर मेरा भी रैली है, तो एक बात कहना चाहूँगा आपसे, मैंने बोला जो कि सर के साथ बात चल रहा है, मैंने यही बोला आपका जो सर के साथ जो बात फाइनल जो बात करूँगा, मैंने 18 तारीख तक लास्ट अपडेट दिया, ऐसा नहीं है बिल्कुल जे 1 तारीख से रैली नहीं हो सकते, तो 18 तारीख तक मैंने आपको टाइम दिया, मैं फाइनल जो बात करूँगा तो उसका फुल कॉल रिकॉर्डिंग, ये जो आपका जो जानकारी फुल कॉल रिकॉर्डिंग 1 अप्रैल क्या होगा कि नहीं होगा, अगले क्या डेट रहेगा, तो इसमें आपका पूरा जो जानकारी, ये सर का जो वॉइस कॉल रिकॉर्ड मैं शेयर करूँगा आपका 18 तारीख में। ठीक है, ये डाउट आपको क्लियर होना चाहिए। अब एक हर वीडियो का कमेंट सेक्शन में ये कमेंट नहीं करना जे कब आएगा कब आएगा, 18 तारीख तक पहले वेट करो, हम दे देंगे आपको सभी जानकारी। जानकारी थोड़ी ना मेरे पास रखने के लिए मैं लेती हूँ सर से, तो ऐसा बात नहीं है। और आप ये जो स्क्रीनशॉट वगैरह मैंने शेयर किया ये देख सकते हो इसका प्रूफ। और हेलो। हेलो। हाँ जैन सर। जैन सर बताइए, मैं आप तो बोला था जो कि 18 मार्च को जो इन्फॉर्मेशन बैरकपुर रैली का तो देने के लिए बोला था, तो अब उसके बारे में कुछ पता चला कंफर्म, 1 तारीख का होगा कि नहीं होगा?
नहीं, उसके बारे में तो अभी देखो, अभी यारों में जो बैरकपुर यारों में रैली होगा, लेकिन उसके लिए अभी डेट फाइनल नहीं हुआ है। अप्रैल में रैली होगा, 18 तारीख का बाद ही रैली होगा, 1 तारीख को नहीं होगा, 18 तारीख का बाद होगा, लेकिन इस महीना मतलब अप्रैल महीना का ही होगा रैली। और सर, और जोर ज्यादा जोर से बोलिए ना, साउंड नहीं आ रहा है यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ कि रैली होगा 18 तारीख के बाद ही रैली होगा, लेकिन अप्रैल में ही होगा। जो 1 तारीख को था वो 1 तारीख को नहीं होगा, लेकिन अप्रैल महीने में होगा, 18 तारीख के बाद होगा। ठीक है, अच्छा, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है? हाँ, ऐसे इंफॉर्मेशन आ रहा है कि मैं जिस सेक्टर में हूँ, ये सेक्टर में तो हाई लेवल में बैठक हुआ था, तो उसी में इधर भी जो रैली होता है, मैं जहाँ हूँ वो प्राइवेसी है, मैं नहीं बता सकता मेरा लोकेशन कहाँ, तो इधर का जो रैली होता है तो उसी के लिए एज रिलेक्शन के बारे में कुछ बैठक हुआ था अफसर का, उसमें तो हम भी शामिल थे, कि तो उसमें बोला था कि अगला 3 महीने के अंदर एज के बारे में कुछ बताएगा, छूट देगा। ठीक है, मतलब सर, सर ये जो एज छूट देगा रैली में? हाँ, ये छूट देगा रैली में, ये हमारा सेक्टर का बात चल रहा है, मतलब 70% छूट देगा, 30% नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इधर का बात फिर इधर से रक्षा मंत्रालय में जाएगा, फिर वो क्या डिसीजन लेगा उसी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब सर, आपका जो स्टेट, आप जो सेक्टर में है, आपका जो रेजिमेंट, वहाँ पर जो हाई कमिश्नर हाई लेवल जो आपका बैठक चल रहे थे, तो आपका जो उसमें से आपका जो स्टेट का मतलब वो आप जिस रेजिमेंट में हो और रेजिमेंट जिस स्टेट का है, तो उनका बात परमिशन लगेगा इस पर? नहीं, परमिशन का बात नहीं, अभी उसी टॉपिक के ऊपर बात चल रहा है। ठीक है, अभी बातचीत तो अभी चल रहा है, रनिंग हालत में है, अभी कोई हाल नहीं निकला है, हाल निकलेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा, तो और अब बैरकपुर का कोई कंफर्म अपडेट मिला है? बैरकपुर का कंफर्म अपडेट यही है कि अप्रैल में रैली होगा, अभी डेट ठीक नहीं हुआ, 18 तारीख के बाद ही होगा सुनने में आ रहा है। और दूसरा बात तो ये है कि जो ग्राउंड के बारे में, ग्राउंड तो ठीक ठाक चल रहा है, पानी वाला टैंकी भी लगा दिया है ग्राउंड का, जो जिस ग्राउंड में आरसी जैसे ग्राउंड में रैली होगा तो उसमें उसी का काम चल रहा है। ठीक है, जिस यूनिट को ये काम सौंपा गया है, उस यूनिट ने अपना, उस कैंप ने अपना आराम से उस ग्राउंड को तैयारी कर रहा है, इसके मतलब रैली अगला नेक्स्ट मंथ में हो सकता है। और सर, आप बोल रहे थे जो कि आपका जो यहाँ पर नया 2022 से ऐसा कुछ कैंडिडेट है जो कि पूछ रहे थे 2022 से 23 का रैली, नया जो नोटिफिकेशन जिसका पहले नहीं हुआ, तो उन लोगों का क्या होगा? नहीं, अभी सिलसिला ये जारी रहेगा। ठीक है, ये अभी 1 महीना उसमें इस साल का जो रैली है वो रैली हो जाएगा, नेक्स्ट साल का भी रैली शुरू हो जाएगा, 2022 का भी शुरू हो जाएगा, 23, मतलब हर साल पहले 6 महीना जैसे आता था रैली निकलता था तो उसी टाइम से निकलेगा। और वैकेंसी बहुत है, इसलिए रैली बहुत जरूरी है, बंदा भी चाहिए फौज में। और नया कुछ जानकारी है सर? कुछ जानकारी बस ऐसे ही है कि रैली होगा, आराम से तैयारी करो।